हमारा जो जीवन है इसमें एक होती है मजबूरी, और एक है जिम्मेदारी। इन दोनों के पश्चात आता है जीवन का उद्देश्य। मजबूरी वह है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, हम जी नहीं सकते। और उद्देश्य जिसके लिए ये जीवन मिला है, उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का एक उद्देश्य है आत्म शांति, आत्म कल्याण। या उसी को कह सकते हैं दुखों से सदा के लिए छुटकारा, दुखों की सब प्रकार से निवृत्ति। दुख कोई चाहता नहीं है, दुख किसी को पसंद नहीं है, लेकिन दुख तो है। ये दुख का ना रहना यही सुख है, और दुख का सब प्रकार से पूरी तरह से मिट जाना, फिर आगे कभी कोई दुख ना हो, ये मोक्ष है। लेकिन इसके पहले होती है मजबूरी, और मजबूरी का अर्थ होता है जिसके बिना जीवन चल ना सके, जिया ना जा सके। तो क्या है? भोजन सबसे पहले मजबूरी है। बिना मकान के आदमी जी लेगा? जानवरों को देखो, कहाँ मकान है उनके पास। जो जानवर आदमी पालता है उसके लिए तो मकान बना देता है, लेकिन तमाम जंगली जानवर हैं, उनके पास मकान कहाँ है? कुत्तों को देखो, बरसात हो रही किसी छाया में बस दुबक गए हैं, नहीं तो ठंडी में भी सड़क पर ऐसे सोए रहते हैं। तो जानवरों का कोई मकान नहीं है, जानवरों को कपड़े का आवश्यकता भी नहीं है, जानवर कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनता। लेकिन भोजन चींटी से लेकर के हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक, खाना तो सबको पड़ता है। बिना खाए कोई जी नहीं सकता, यही मजबूरी है, सबसे पहले मजबूरी। हमें भी यदि जीवित रहना है और स्वस्थ रहना है तो खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। ये मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। अब मजबूरी में जानवर और आदमी एक बराबर है, अब भोजन खाना तो सबको है। आदमी और जानवर में अंतर क्या है? आदमी को अपने खाने के लिए खेती किसानी नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, और जानवरों को कुछ नहीं करना पड़ता। जो शाकाहारी जानवर है
घास चर लिए, कहीं भी मिल जाए। मांसाहारी जानवर जंगल में रहने वाले शिकार कर लिए। बस पेट भर गया, खत्म। उनको खेती नौकरी व्यापार की आवश्यकता नहीं है। जो मांसाहारी जानवर है वो केवल पेट भरने के लिए किसी अन्य जानवर को मारते हैं। पेट भर गया, कुछ नहीं। शेर है, चीता है, बाघ है, यदि इनका पेट भरा हुआ हो, कोई जानवर को मार कर ये खा लिया और पेट भरा हुआ हो, उसके सामने से भी आदमी गुजर जाए तो हमला नहीं करते। हाँ, अब उसे लगेगा कि आदमी मुझे मारने वाला है तब हमला करेंगे। थोड़ा दूर में हैं तो जानबूझकर अटैक नहीं करते। वो या तो लगता है कि मुझे खाना है, भूख लगी है, या उसे लगता है कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करना, सुरक्षा करना, तभी हमला करते हैं। और आदमी तो मार मार कर कितना ढेर लगा रहा है। शाकाहारी जानवर है, घास चर लिए, अब कल के लिए इकट्ठा नहीं करेगा वो जानवर। उसका पेट भर गया, खत्म। कल वर्षा हो जाएगी तो कहाँ चारा चरने जाऊँगा, ऐसा सोच करके ला कर अपने कहीं ठिकाना पर वो रखते नहीं हैं। आदमी जानवर नहीं है, आदमी आदमी है। और आदमी इसलिए खेती किसानी नौकरी करता है, और उसमें भी आदमी को संतोष नहीं रहता है। सब कुछ है लेकिन असंतोष, हाय हाय, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, लोभ। और जितना लोभ बढ़ता है आदमी का, जितना हाय हाय करता है, उतना आदमी पाप करता है। फिर जो उसको मिला हुआ होता है उसका भी वो आनंद नहीं ले पाता। लोभी आदमी सुख से जीत ही नहीं पाता, चाहे उसका धन कितना क्यों ना बढ़ जाए। लोभी को ऐसा लगता है कि अभी कम मिला, कम मिला, कम मिला। जानवरों को लोभ नहीं होता। चींटी है, चूहा है, ये बटोर कर रख लेते हैं, बस कोई और उनकी आदत है, बस स्वभाव है उनका। आदमी सहज ढंग से मेहनत करता रहे, दुर्व्यसन न करे और फिजूल खर्ची ना करे, और मेहनत करता रहे ईमानदारी से, तो जीवन भर खाने को मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन आदमी परेशान है लोभ के कारण, और लोभ ऐसा है कि किसी का पूरा होता नहीं, चाहे पैसा कितना भी क्यों ना बढ़ जाए। लोभ अधूरा का अधूरा ही रहता है। अरे, आदमी का अपना बनाया दुख। जानवरों को देखो, कुछ नहीं ना उनके पास। जानवरों को चिंता नहीं है, जानवरों को चोर डाकू का भी भय नहीं है। इसलिए जानवर रात में कितने आराम की नींद सो लेता है। आदमी को चिंता है ज़्यादा, चोर डाकू का भय है, इसलिए घर में ताला लगा करके भी आदमी आराम से नहीं सो पाता। और जितना आदमी चिंता करता है
भयभीत रहता है उतना ही मानसिक बीमारी फिर टेंशन शुरू हो जाता है। और कारण क्या है? हाय हाय लोभ। लोभ आदमी को बहुत कमजोर बना देता है और ज़्यादा लोभ बढ़ता है तब छल कपट स्वार्थ छीना झपटी मार पीट पता नहीं क्या क्या आदमी अन्याय अधर्म सब कुछ करने लग जाता है आदमी। और एक भी एक बात और याद रखना होगा, कोई आदमी हो जिस आदमी के मन में बहुत ज़्यादा लोभ है, जो बहुत अधिक कंजूस स्वभाव का हो जाता है, कुछ लोग और कुछ लोग बहुत लोभी स्वभाव का हो जाता है, उस आदमी को कोई ना कोई बीमारी शरीर में ज़रूर होगी। अभी नहीं होगी तो बस कुछ दिन पश्चात होना है, होना है। लोभी आदमी एक तो शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसे ही जिस आदमी के मन में दूसरों के लिए भयंकर ईर्ष्या है या बैर विरोध की भावना है या किसी के लिए घृणा है, हमेशा ईर्ष्या द्वेष घृणा में जीने वाला है, उस आदमी को कोई ना कोई बड़ी बीमारी होना ही होना है। ऐसी बीमारी किसी के भी हो सकती है, लेकिन मन में जितना अधिक विकार होगा उतनी बीमारी जल्दी आएगी। कुछ बीमारियां प्रारब्ध के कारण से होती है और कुछ बीमारे आदमी लोभ करके ईर्ष्या करके घृणा करके बैर विरोध करके और नकारात्मक ढंग से सोच सोच करके बीमारी खुद बुलाता है। और जीवन को आराम से जी नहीं सकता। मैं बात कर रहा था मजबूरी की, भोजन मजबूरी है, लेकिन भोजन आकाश से नहीं मिल टपकता है, आदमी को पैदा करना पड़ता है, इसलिए वो खेती किसानी नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी आदि करता है। और ये ईमानदारी पूर्वक सही ढंग से करता रहे तो आदमी को इसमें कोई कमी नहीं होगी, जीवन भर खा लेगा, खाता। अब जीवन भर आदमी को पेट भर भोजन मिलता रहेगा, रहने को जगह मिलेगी, पहनने को कपड़े मिलेंगे। इसके बाद नंबर आता है जिम्मेदारी का। जानवरों को जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी मादा जानवर को बच्चा हुआ, गाय भैंस बकरी या और कोई, शुरू कुछ दिन तक वो देख रेख किए, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ 4-6 महीने का, चिंता खत्म। इसके लिए हम घर द्वारा बना दें, ये कर दें वो कर दें, कुछ नहीं है। आदमी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी, जानवरों का कोई परिवार नहीं होता, झुंड होले होता है जानवरों का। परिवार आदमी का होता है और आदमी को ज़्यादा रक्षा की आवश्यकता होती है। आदमी का बच्चा जितना कमज़ोर होता है उतना किसी का भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। गाय का बच्चा पैदा हुआ, गाय ने बच्चा दिया, जीभ से गाय चार दे, घंटे भर में बसला उछलने कूदने लग गया। बकरी के बच्चे बस कुछ घंटे वो भी उछलने कूदने लग गए। और आदमी के बच्चा कम से कम 2-3 साल तक तो बहुत भारी सुरक्षा करना पड़ता है, अपने आप को कुछ नहीं कर सकता। गाय का बच्चा 2 दिन में ही पैरा खाने लग गया, और आदमी के बच्चे को गाय बूढ़ी हो गई कहीं पड़े हैं, लेकिन आदमी बूढ़ा हो गया तब उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है।
जो बीमार है उसकी सेवा तो करनी ही पड़ती है, लेकिन आदमी को बुढ़ापे में और एकदम बचपना में कितनी सेवा का आवश्यकता होती, बस यही जिम्मेदारी आती है फिर। उसी जिम्मेदारी के लिए परिवार बनाया जाता है। अकेला आदमी नहीं रह सकता है, जानवर अकेले रह सकते हैं, मैंने कहा इसलिए उनका कोई परिवार नहीं होता। तो जिम्मेदारी में क्या होता है, जिम्मेदारी में कर्तव्य है। और कर्तव्य में समर्पण होता है, लेकिन आदमी यहां भी चूकता है। आदमी जितना दूसरों के लिए करता है उतना ज़्यादा दूसरों से अपना चाहता है, इसके लिए मैंने ऐसा किया या इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा करे, बस दुख शुरू हो गया। चाहना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, उलझन होगी, झगड़ा होगा। जिम्मेदारी के लिए कर्तव्य, सेवा। और कर्तव्य का अर्थ क्या होता है, जो घर में है, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता पिता, बेटा बहू, भाई है, जो भी हो घर में, उनके लिए जो करना चाहिए कर दिया जाए, असमर्पित होकर के प्रेम से किया जाए। लेकिन वे लोग मेरे लिए ऐसा ऐसा करे, उन्हें ऐसा करना चाहिए, ये मत सोचो, तो परिवार बहुत बढ़िया चलेगा। अब किसी एक के लिए नहीं, ये बात सब के लिए होती है। आदमी करता कम है और चाहता ज़्यादा है, अपेक्षा रख लेता है, इसलिए घर घर में कलह होता है। चाहना बढ़ा लिया, अधिकार की लालसा आ गई, मैं इतना करता हूँ मुझे ऐसा मिलना चाहिए। अधिकार छोड़ करके आदमी काम करे और स्वार्थ छोड़ करके काम करे तो जिम्मेदारी बहुत का निर्वहन बहुत बढ़िया होगा, परिवार बहुत बढ़िया चलेगा। और किसी एक के लिए नहीं, परिवार में जितने भी हों, दो चार छः, सब अपने अपने अधिकार की भावना और स्वार्थ भावना को छोड़ दे तो देखो कि परिवार का वातावरण कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन आदमी अधिकार मानता है और स्वार्थ, अधिकार और स्वार्थ की भावना परिवार को तोड़ देती है। आदमी चैन से जीवन नहीं जी सकता और साथ साथ परिवार तब चलता है जब विश्वास हो। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कब परिवार टूट जाए कोई पता नहीं चलता। जहाँ एक दूसरे पर लोग संदेह कर रहे हैं, संदेह ऐसा है कि अंदर अंदर चाल करके आदमी के मन को, परिवार को, समाज को एकदम खोखला बना देता, जैसे घुन कीड़ा होता है ना, लकड़ी में घुन के कीड़े लगते हैं, लकड़ी ऊपर से मजबूत दिखाई पड़ती, चिकनी साफ, लेकिन घुन कीड़ा अंदर से लकड़ी को खोखला बना देता है, कमज़ोर, कब टूट जाए पता नहीं है। ऐसे जहाँ विश्वास नहीं है, लोग लगते हैं, लगता तो है कि ये सब लोग एक साथ है, लेकिन एक साथ होते हुए भी नहीं है कोई, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। और जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ लोग सुख से कैसे जिएंगे।
विश्वास से परिवार भावना बढ़ती है, मजबूत होती है। अब विश्वास कब होगा? जब अधिकार और स्वार्थ को छोड़ा जाएगा और कर्तव्य सेवा किया जाएगा, तब विश्वास बढ़ेगा। विश्वास से विश्वास बढ़ता है। हम साथियों पर अब विश्वास करें और चाहे हमारे साथी हम पर विश्वास करें तो नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए विश्वास करना पड़ेगा पहले, तब परिवार में मजबूती आती है, तब संगठन बढ़ता है। और जहाँ संगठन है वहीं एकता है, और जहाँ एकता संगठन है वहीं पर उन्नति है। तो आदमी परिवार में रहता है तो वहाँ उसकी एक जिम्मेदारी होती है, अनेक लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। हम अकेले सब कुछ नहीं करते, हमारे लिए भोजन को दूसरा बनाता है, कपड़ा को दूसरा धोता है, घर वाल को साफ करता है, तो है सब काम अकेले आदमी कहाँ कर सकता है। तो परस्पर के सहयोग से होता है। कुछ लोग घर में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर में काम करते हैं। जिम्मेदारी, लेकिन इतने में जीवन पूरा नहीं होगा। जीवन चल तो जाएगा लेकिन मन की शांति इतने से नहीं होगी, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण मरने के बाद नहीं, जीते जी। और कहीं भी रहकर आदमी कर सकता है, बस उसके लिए सावधानी चाहिए। दुनिया की जो चीज़ें होती है वो जीवन निर्वाह के लिए होती, सेवा के लिए होती है। धन बटोरना उद्देश्य नहीं है, परिवार बढ़ा लेना वो भी उद्देश्य नहीं है, मठ बन गया ये भी उद्देश्य नहीं है, सेवा के लिए है सब। इसके आगे बढ़ना होगा। धन से शांति मिलती, धन से आदमी सुखी होता तो जितने धनी हैं सब सुखी हो गए होते, सबको शांति मिल गई होती। लेकिन हम देख सकते हैं जितना एक गरीब आदमी दुखी है वैसा ही उतना और उतना ही एक बहुत संपन्न जिसे कहते वो भी दुखी है। बल्कि गरीब तो बहुत निश्चिंत होकर के सोता है, क्योंकि उसे डर ही नहीं कि मेरे घर में कुछ चोरी हो जाएगी, कुछ है ही नहीं चुराने लायक उसको। और धनी आदमी को तमाम चिंता है कि चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, पहरेदार भी रखा हुआ है, उसके बाद भी बराबर नींद नहीं आ रही है। और जिसे नींद ही नहीं आती है वो सुख से कहाँ जी पा रहा है बेचारा। आत्मकल्याण, और इसी के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, संयम की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर लोग गृहस्थी जीवन जीते हैं, कुछ लोग बस 1% से कम लोग भी विरक्ति जीवन जीते हैं। लेकिन गृहस्थी में भी तभी लोग आराम से रह सकते, सुखी रह सकते हैं जब अपने आप पर संयम रखेंगे। खाने में, पीने में, देखने सुनने में, पैसे में, जितना संयम होगा, जितना लोभ कम होगा उतना सुखी होगा। कल यहाँ चर्चा चल रही थी शाम को भोजन पश्चात, सुख से जीना है
आत्मकल्याण की बात तो बाद में आएगी। तन से और मन से स्वस्थ रहना है और शांति से सुख से जीना है तो तीन बातों पर संयम करना होगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे जवान बूढ़ा, कोई तीन बातों पर संयम। कोई कहे खाने पर संयम रखो, बोलने पर संयम रखो और सोचने में संयम रखो। जो आदमी खाने पर बोलने पर और सोचने पर संयम नहीं रख पाता, वो आदमी अपना दुश्मन खुद बना हुआ है, उसे और दुश्मन की आवश्यकता नहीं। जहाँ जाएगा वो दुश्मन साथ है, क्योंकि खुद ही अपना दुश्मन है। और अधिकतम लोग अपने साथ दुश्मनी करते हैं। कोई कहा जाए कि आदमी अपना दुश्मन बना है तो लोग कहें अपना दुश्मन कैसे बना गया आदमी, दुश्मन तो बाहर होता है। अरे बाहर दुश्मन तो कोई होता है, कभी वो हमेशा साथ में कहाँ रहता है। ज़्यादा खाकर, ज़्यादा बोलकर, गलत सोचकर, या गलत खाकर, गलत बोलकर, गलत सोचकर हम अपना दुश्मन तो खुद ही बनते हैं ना। कहाँ है यदि आदमी खाने पर संयम। शरीर में आने वाली जो बीमारी है वो बीमारी का ज़्यादा कारण गलत खाना और ज़्यादा खाना है। गलत चीज़ें ना खाए आदमी और संतुलित खाए तो शरीर में बीमारी कम होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए हर आदमी को खाने पर संयम रखना चाहिए। ये विश्वास रखना चाहिए कि अगली बार और मुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा। आज तक मिला है ना, तो आगे भी मिल जाएगा। जानवर को देखो, कोई गाय, बैल, भैंस है या अन्य जानवर है, उसको पेट भर खाने को दे दो, उसका पेट पूरा पूरा भरा हुआ है तो बढ़िया हरी हरी घास भी ले आओगे उसके सामने तो जानवर खाएगा नहीं कि उसका पेट भरा हुआ है। और आदमी क्या होता है, कई बार होता है कुछ लोग आए, चलो भाई भोजन का समय है, चल या मेहमान, चल चलो आप भोजन कर लीजिए। कहते हैं ऐसा है, पेट तो भरा हुआ है, लेकिन चलिए आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। अरे भाई पेट भरा तब कहे खाओगे। तो ये आदमी की दशा है, खाने पर संयम नहीं है आदमी का। चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना खाओ, सूखा भात ही क्यों ना खाओ, ज़्यादा कभी मत खाओ। ज़्यादा खाना हमेशा जहर का काम करता है। तो खाने पर संयम, अब बोलने पर संयम। बोलने पर संयम कर ले आदमी तो घर घर में तमाम जो कलह है ना, पिता पुत्र के बीच, सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, दरान जेठान के बीच, भाई भाई के बीच, या गुरु शिष्य के बीच, गुरु भाई के बीच, तो कला है उसमें बहुत बड़ा कारण है बोलने में असावधानी, बोलने में असंयम। बोलना है, हम आदमी हैं और जीवन भर बोलना है, लेकिन उचित ढंग से बोले, उचित समय देख करके बोले, उचित बात बोले, कला समाप्त। अब बोलने पर संयम ना करो तब क्या दशा होगी।
एक साधु बाबा रास्ते में जा रहे थे शाम, तो उसे भूख लगी। गांव के बाहर एक घर दिखाई पड़ा, दरवाज़ा खटखटाया, एक महिला निकली घर के मालकिन, देखा कि क्या प्रणाम क्या बाबा भाई, ये क्या है कि बेटा भूख लगी है ज़ोर से, कुछ खाने को मिल जाता, क्या हमारे रात खाने को कुछ है नहीं घर में, अब रुकिए मैं खिचड़ी बना देता हूँ, जल्दी खिचड़ी पक जाएगी, तो ये कोई बात नहीं। वो दरवाजे पर बैठा रहा और अंदर गई, चावल धोकर चूल्हे पर खिचड़ी रख दी, तो साधु बाबा देखता है कि घर के अंदर एक बढ़िया भैंस बंधी हुई है, खूब मोटी भैंस और बड़ी से भैंस बंधी हुई है। तो वहीं बैठे बैठे वो साधु बाबा ने उस घर के मालकिन से कहा, बेटा ये तुम्हारी भैंस तो खूब दूध, घर में खूब दूध होता होगा? कि हाँ महाराज, आपकी कृपा से भैंस खूब दूध देती है, बहुत दूध दही होता है, कोई कमी नहीं है। तो ठीक, फिर देखते हैं एक बात, साधु बाबा इतनी बड़ी भैंस है छोटे घर के, बेटा तुम्हारे भैंस मर जाएगी तो निकालोगे कैसे बाहर, दरवाज़ा तो वहाँ छोटा है, अब किसी को ऐसा कहो तब क्या होगा। उस महिला को बहुत गुस्सा आया, खिचड़ी जो पका रहे थे ना उस से पकी नहीं थी, बस वैसे ला करके उसके कपड़े में डाल दिया, उलट डाल लिखा। अब क्या करे बेचारा, अब ऐसे ऐसे कहे तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और खिचड़ी को ऐसे बांध करके लपेट के चलने लगे, तो अब खिचड़ी में जो पानी था वो पानी टपक रहा था, अब पकी तो थी नहीं खिचड़ी, और रात उसी खिचड़ी उसी कच्ची पकी खिचड़ी को कपड़ा में बांध कर बाबा ले जा रहे थे। लोगों ने कहा, बाबा ये आपका क्या टपक रहा है कपड़ा से? बेटा मेरा जबान का रस टपक रहा है इसमें से, जबान बोलने पर असंयम, तो बोलने पर संयम रखेंगे तो कलह नहीं होगा, अपमानित नहीं होना पड़ेगा, और सोचने पर संयम रखो तब टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, तमाम मन में जो उलझने आती है ये सब से बच जाएंगे। इतना करे आदमी, खाने पर संयम रखे, बोलने पर संयम रखे, सोचने पर संयम रखे, न शरीर बीमार होगा, न परिवार में कलह होगा, न मन में चिंता होगी, बहुत आराम से जीवन जिएगा आदमी। पैसे से सुख मिलता है भ्रम है, पैसे से आदमी को केवल सुविधा मिलती है, पैसा ज़्यादा है बड़ा मकान बना लो, बढ़िया कीमती वस्तुएं खरीद लो, सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भीतर, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, अच्छे चिंतन, अच्छे कर्म से मिलता है। लेकिन इतना करे आदमी, यदि खाने पर, बोलने पर, सोचने पर संयम रखे, तो घर में ही रह करके आदमी, घर के स्वयं रह करके आदमी बहुत आराम से, बहुत सुख से जीवन जी लेगा। चीज़ें भले थोड़ी हो, कपड़े भले सस्ते हों, मकान भले छोटा हो, लेकिन जहाँ पर लोग खाने पर, बोलने पर संयम रखते हैं, वहाँ परिवार में प्रेम रहेगा, समता रहेगी, एकता रहेगी, विश्वास रहेगा, और तन मन से स्वस्थ रखकर आदमी सुख से जी लेगा। जब इतना हो जाएगा, खाने, बोलने और सोचने पर संयम, तब साधना भजन का काम हो पाएगा। जो आदमी ज़्यादा खाता है वो साधना भजन का काम नहीं कर सकता, ज़्यादा खाएंगे शरीर में गर्मी आएगी, उत्तेजना आएगी, सिर भारी होगा, नींद आ जाएगी, साधना भजन ध्यान चिंतन का काम कैसे होगा? स्वस्थ रहने के लिए भी, काम धाम करने के लिए भी, और साधना भजन का काम करने के लिए भी संतुलित खाना बहुत जरूरी है। और ज़्यादा बोल बोल करके जो विवाद पैदा कर लिया है, कलह पैदा कर लिया है,
वो आदमी भी कैसे साधना भजन का काम कर पाएगा। विवादों में उलझा हुआ आदमी बैठेगा तो वही विवाद की बातें मन में आती रहेगी, और जो सोच रहा है गलत तो जैसे ही आँख बंद कर बैठेगा वो गलत चिंतन फिर मन में शुरू हो जाएगा। खाने बोलने और सोचने पर जब संयम रखा जाएगा तब साधना भजन का काम होगा, और साधना भजन काम जितना होगा तब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कल्याण की प्राप्ति वो उद्देश्य पूरा होगा। जानवरों को बीमारी कम क्यों होती है देख लो, आदमी के कितने हॉस्पिटल हैं, कितने कितने डॉक्टर हैं, और जानवरों के कितने हॉस्पिटल हैं। आदमी के लिए जितने हॉस्पिटल हैं जान उतना तो जानवरों के सब 1% भी नहीं होगा। और जानवर कौन जानवर ज़्यादा बीमार पड़ता है, जंगली जानवर ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, जो जानवर आदमी पालता है वो जानवर बीमार पड़ता है, आदमी भी जानवरों को बीमार बनाता है। जंगली जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल है क्या? आप गाय पाले, बैल पाले, घोड़ा गधा पाले, उसके लिए भले जानवर है, जंगली जानवरों के लिए उसके लिए हॉस्पिटल है? जंगली जानवरों के लिए कौन है हॉस्पिटल? आदमी के संगत से जानवर बिगड़ता है। चूंकि जानवर खाने में संयम रखता है, बोल उनमें बोलना तो है ही नहीं, इसलिए विवाद ही नहीं है, और सोचते भी नहीं है इसलिए कोई मन में टेंशन बीमारी भी नहीं है। कई मामलों में देखा जाए तो जानवर आदमी से ज़्यादा सुखी है और ज़्यादा स्वस्थ है तन से भी और मन से भी, लेकिन जानवर कितना भी कुछ हो जाए वो साधना भजन का काम नहीं कर सकता, कल्याण का काम नहीं कर सकता, वहाँ मजबूरी है। क्योंकि साधना भजन का काम शरीर से नहीं होता है, मन से होता है, और विकसित मन आदमी को ही मिला हुआ है। साधना भजन के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके लिए मैंने कहा कि खाना खाने पर, बोलने पर और सोचने पर संयम, उसके साथ साथ करने धरने पर भी संयम, व्यवहार भी सही हो। तब भजन होगा, व्यवहार उलझा हुआ है, कर्म गलत हैं तो संयम नहीं है मैं तो भजन नहीं हो सकता है। भजन या साधना कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी कर नहीं सकता, कहीं भी रह करके कर सकता है। भजन है आत्मशोधन निरंतर, अपने गुण दोष अपने स्वभाव की परख करते रहना, मुझ में क्या क्या कमी है इसको समझना, अपने जीवन में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ होती हैं, इनको समझ लेना, और समझ करके अपने स्वभाव में जो कमी है उसको सुधार लेना, ठीक कर लेना, अपने दोषों को ठीक कर लेना, उसको सुधार लेना, और सदगुण सहचार को बढ़ाते चले जाना, निरंतर अपने आप को सोचते जाना, कहीं भी रहकर सोचते जाए। और भजन हर समय अपने मन पर निगरानी रखना, कहीं भी आप खेत जा रहे हो, खलिहान में काम कर रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, घर में ही झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा भोजन बनाने का काम हो रहा है, मन पर निगरानी कि मन गलत तो नहीं सोच रहा है,
गलत बात न सोचे किसी के लिए, न अपने लिए न दूसरों के लिए कोई गलत बात। गलत बात कौन है, गलत विचार कौन है, जिसको सोचने से मन में चंचलता उत्पन्न हो जाए, लोभ मोह वैर विरोध हो जाए, चिंता हो जाए, वो सब गलत विचार है। इनको छोड़ दो, जितना छोड़ेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे और हर समय भजन होता रहेगा। एक समय बैठ कर के भजन थोड़े होता है, जैसे हम यहाँ एक घंटा हम लोग बैठे थे, तब ये बैठना कब सफल होगा, जब अन्य समय में हमारा मन सही चिंतन में रहेगा, ज्ञान विवेक विचार का चिंतन हो, सेवा भक्ति प्रेम दया क्षमा का चिंतन हो, तब तो यहाँ बैठ करके मन शांत होगा। अब बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ मन राग द्वेष का चिंतन कर रहा है, मोह माया का चिंतन कर रहा है, और पता नहीं कैसे कैसे बातें सोच रहा है, तो वहाँ आदत बिगड़ी है, तो यहाँ बैठ करके मन शांत कैसे होगा। इसलिए सबसे बढ़िया भजन क्या है, हर समय अपने मन पर निगरानी रखना कि मेरा मन कोई गलत बात न सोचने पाए, विकारी बात न सोचने पाए, जिससे मन की आदत बिगड़े और मन में चंचलता आए, बहिर्मुखता आ जाए, ये सब बातों का त्याग। ये यही भजन है। अब फिर अपने स्वरूप का भी ज्ञान करना होता है। भजन शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर तो सच नहीं है ना, शरीर तो जन्मा है, अभी मर जाएगा, लेकिन शरीर में रहकर जो बोल रहा है, जो ज्ञान कर रहा है चेतन जीव, वो न जन्मा है न मरेगा। तो जीव अलग है और शरीर अलग है। हम मकान में बैठे हैं तो हम मकान थोड़े हैं, मकान अलग है हम अलग हैं। ऐसे ही शरीर के लिए जीव एक मकान है, एक पिंजड़ा है। कर्म के बस इसमें जीव आ गया है, प्रारब्ध कर्म पूरा होगा यहाँ से जीव निकल जाएगा। उस जीव का ज्ञान है या नहीं है, वो जीव का ही ज्ञान नहीं है, अपने आप अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, तो कल्याण का काम कैसे बनेगा, किसका कल्याण होगा फिर। हम कल्याण हम सुख चाहते हैं ना, तो हम कौन हैं जो सुख चाहते हैं। हमें दुख नहीं चाहिए तो कौन कह रहा है हमें नहीं चाहिए, हम तो हैं। अपने आप का ज्ञान होना चाहिए फिर, स्वरूप का बोध, स्वरूप का बोध हो और आत्मशोधन हो, ये भजन हो जाता। फिर जब ऐसा हो जाएगा तब ध्यान का काम साधना का काम सही बनेगा। और साधना का अर्थ है छोड़ना, और छोड़ना कहाँ से, मन से। मन का जो छोड़ना होता है वो असली छोड़ना होता है। शरीर है तो भोजन तो करना पड़ेगा, भोजन पकड़ हम भोजन खाते हैं पकड़ रहे हैं, कपड़ा पहने हैं पकड़े हैं, मकान में रहे हैं पकड़े हैं, रुपया पैसा व्यवहार करते हैं मानो पकड़े हैं। पकड़ना होता है व्यवहार के लिए, लेकिन व्यवहार करते हुए भी मन में उसके लिए आसक्ति न बने, राग या मोह न बने। मन से राग का मोह का आसक्ति का त्याग करना, यही वैराग है, ये तब साधना बनेगी। और कहीं भी रह करके लोभ मोह है मन में तो पकड़ है, तो साधना नहीं बनेगी। वैराग का मतलब है राग का त्याग। घर छोड़ दे इतने से वैराग नहीं बनता है, घर में ही रहे
लेकिन घर में रहते हुए भी घर के राग का मोह का त्याग करे, तो घर में रहकर वैराग हो सकता है। कहा गया है, कह भय बन को गए मन से मिटी न राग, त्याग वासना के किए घर ही में वैराग। जंगल घर छोड़कर जंगल चले गए, वहाँ जा कर के फिर घर का ख्याल कर रहे हैं, तो जंगल में रहते हुए भी आदमी घर में ही निवास कर रहा है और घर में ही कोई रह रहा है, त्याग वासना के कि में मन से जो राग है मोह है वासना है इसका त्याग हो गया तो घर में ही वैराग हो गया। तो साधना में पाना कुछ नहीं होता है, छोड़ना होता है। साधना का है अर्थ है त्याग, छोड़ना हो त्याग, ये क्या बात है। और त्याग किसका? अहंकार का, आसक्ति का, स्वार्थ का, देहाभिमान का त्याग। सबको प्रयोग करते हुए भी मन उसमें उलझा ना हो, मन में कहीं लोभ मोह आसक्ति न बना। जो लोग हैं उनके साथ प्रेम करो, सेवा का व्यवहार करो, जो आदर सम्मान देना है ये सब करें, लेकिन आजकल में साथ छूटना है इसको याद रखना होगा ना। चाहो तो साथ छूटना है, ना चाहो तो साथ छूटना है। पहले से मुंह आसक्ति राग का त्याग कर देंगे तो जब अलग अलग होना होगा, छूटेगा सब साथ, तब दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा। और रहते भले अलग अलग हैं दूर दूर, लेकिन मोह है राग है, सही छूटा तो रोना शुरू हो जाता है। ये बात किसी साधु के गृहस्थ के लिए नहीं, आदमी के लिए है, जो कल्याण चाहता उसके लिए। काम जो करना हो पूरा करो, सेवा करने में, प्रेम करने में, जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है, कोई कमी नहीं रखना है। लेकिन कितनी भी सेवा करो, कितना भी प्रेम करो, बिछोड़ना तो है ना, चाहे हमारा शरीर पहले छूटे, चाहे सामने वाले का शरीर पहले छूटे, छूटना तो है, इसकी तो कोई दवा नहीं है। वो घटना कब घटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए साथ रहते हुए भी सब कुछ करते हुए भी उस दिन की याद करो जिस दिन साथ छूटने वाला है। और उस दिन के हम याद करते रहेंगे ना तो मोह नहीं बनेगा, आदत आसक्ति नहीं बन पाएगी। अब मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, आदत आसक्ति नहीं है, तो हर समय कल्याण ही हो गया। तो साधना में पकड़ना नहीं है, साधना कुछ पाना नहीं होता, सबको छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, अंत में क्या होगा, छोड़ने वाला बचेगा शेष, वो हमारा चेतन स्वरूप, वो शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार है। पकड़ बना बना करके, आदत मोह बना बना करके हम मन को मलिन बना लेते हैं। जितना मन में विकार होगा उतने हमारे में मलिनता रहेगी और हमारा कल्याण उतना दूर रहेगा। कल्याण कोई बाहर नहीं है, कोई कल्याण कुछ मिलना है नहीं कल्याण में। मन का निर्मल निर्विकार पूरा शुद्ध हो करके अंतर्मुख आत्मलीन हो गया, बस कल्याण मिल गया। जब तक मन में विकार है तब तक अशांति है, पीड़ा है, दुख है, अविकार ही मलिनता है। मन में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है मन, तो निर्मल है मन, और निर्विकार और निर्मल है मन तो वहाँ कोई दुख ही नहीं है,
वहाँ तो वहाँ क्या बचा फिर? शेष सुख शांति कल्याण मोक्ष ही बचा, और यही जीवन का उद्देश्य है, दुखों से छुटकारा सदा सदा के लिए। उसके लिए तैयारी अभी से हो से करनी होती है और अभी से होगी। कल हम सोचेंगे कल कर लेंगे, अगले जीवन में कर लेंगे, तो जो परेशानी इस जीवन में है वो परेशानी अगले जीवन में भी होगी। जो जो समस्या आज है वो समस्या कल भी रहेगी, समस्याएं पूरी रहेगी यही कहीं, और कहीं भी जाओ समस्या या परेशानी से छुटकारा नहीं होगा। गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे, आदमी सोचा करता है आज ये परेशानी है, आज वो परेशानी है, आज ये जरूरी काम है, आज ये समस्या है, इसलिए आज भजन काम नहीं कर पाऊँगा, सत्संग में नहीं जा पाऊँगा, कल देखूँगा, तो कल वही फिर परेशानी होगी। जैसे आदमी कोई आदमी समुद्र के किनारे जाए और सोचे पहली बार समुद्र के किनारे आया हूँ, इतने दिनों के बाद दोबारा फिर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा कुछ पता नहीं है, तो जब पहली बार आया हूँ तो चलो समुद्र में नहा लेता हूँ, डुबकी लगा करके नहा लेता हूँ, लेकिन सोचता है नहाऊँ तो समुद्र में, लेकिन इसमें तो लहर आ रही, बड़ी बड़ी लहरें भी आ रही है, और नहाने जाऊँ और लहर खींच कर समुद्र में ले जाए तब क्या होगा, तो मरना हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं नहाऊँगा। जब ये लहरें शांत हो जाएगी, जब कोई लहर नहीं रहेगी तब नहाऊँगा, तो जिंदगी भर बैठा रह जाएगा, कभी नहीं नहा पाएगा, क्योंकि समुद्र का स्वभाव है लहर पर लहर आते रहना, शांत नहीं होता समुद्र कभी, लहर उठती रहे, कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उठ जाती है और कभी कभी छोटी लहरें होती, लेकिन लहरें तो रहेगी, करना क्या है, वो लहर आती रहेगी, सावधानीपूर्वक उसी में घुसना है और सावधानीपूर्वक घुस करके नहा करके उसमें से निकलना है, और तमाम लोग नहा रहे हैं उसी में ही जाकर सावधानीपूर्वक, ऐसे हमें भी उसी में ही उतरना है और नहाकर सावधानीपूर्वक निकलना है, ये उदाहरण है। तो जैसे समुद्र में लहर पर लहर आना उसका स्वभाव है, ऐसे जिंदगी में दुख परेशानी समस्या बने रहने का स्वभाव है, सोचोगे कोई परेशानी नहीं होगी तब करूँगा, तब परेशानी एक समय नहीं होगी, जब शमशान घाट में पहुँच जाएंगे ना तो वहाँ कोई परेशानी नहीं रहेगी, वहाँ तो एकदम समस्या से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तब क्या करोगे भाई, उस समय तो कुछ बनेगा नहीं। आप जीवित हैं इसका लक्षण यह है कि आपके जीवन में समस्या है, जिन समस्या ले रहे समझने लगे बस मौत हो गई, समस्या ही जिंदगी है, जिंदगी समस्या है, तो जो समस्या जो परेशानी आज है वो हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी, उसी में ही से समय निकालना है, उतने समय निकाल करके भजन साधना का काम करना, उसके बिना दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता, चाहे आदमी कुछ भी पाले कुछ भी बन जाए। तो बात यह है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण मरने के बाद नहीं, जीते जी नहीं, आज। आत्मकल्याण का अर्थ क्या है, हर समय मन का शांत संतुष्ट निर्मल और प्रसन्न बने रहना, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं मन में, हमेशा मन का भरा भरा रहना, प्रसन्न रहना, शांत संतुष्ट रहना,
ये जीत कल्याण का जीते जी अनुभव है। अब प्रारब्ध है इसमें तो रोग बीमारी बुढ़ापा अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब तो आते रहेंगे, लेकिन ये सब के आते रहने पर भी मन में हलचल ना हो, निश्चल मन पूरी तरह से शांत संतुष्ट मन, इतना जब हो जाएगा तब कल्याण का अनुभव हो पाएगा। इसके पहले कल्याण का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा था एक है मजबूरी, जैसे भोजन या मकान में रहना मजबूरी है, इसके लिए आदमी को खेती किसानी नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी करना होता है। उसमें भी आदमी जितनी ईमानदारी से करेगा, डूब करके करेगा, परिश्रम पूर्वक करेगा, उतना बढ़िया होगा। और उसके साथ साथ जो मिला है उसमें संतोष रखेगा तो आनंद से जी लेगा। जिम्मेदारी है जिनके साथ रहते हैं उनके उनके लिए सेवा सहायता व्यवहार में सहयोग, और जिम्मेदारी भी प्रेम से विश्वास से सेवा से समर्पण से बढ़िया बनती है। और अंत में उद्देश्य, उसके लिए सेवा सत्संग स्वाध्याय साधना भजन सहारा है। और मन का पूरी तरह से निर्मल निर्विकार शांत संतुष्ट रह जाना, समझ लो लोग कल्याण की प्राप्ति। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई किसी बात के लिए कुछ नहीं, कोई चाहना लोभ नहीं। ये हमें आज करना होगा, और आज नहीं कर पाएंगे तो कल नहीं हो पाएगा। आज इस जीवन में नहीं करेंगे तो पता नहीं अगले जीवन में क्या होगा, कोई ठिकाना है? इसलिए मजबूरी है उसका काम करते हुए, जिम्मेदारी है वहाँ प्रेम विश्वास व्यवहार करते हुए, मन को सेवा भक्ति संयम साधना द्वारा निर्मल निर्विकार बनाकर अंतर्मुख कर लें। जब हर समय मन में शांति संतोष प्रसन्नता बना करके रखें, आज हमारा ईमानव जीवन पाना सफल हो जाएगा और कल्याण का अनुभव हो जाएगा। बस।